वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिवस शेयर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? यार आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने वाला हूं जिनको वेट शेविंग की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके बाद और कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करने की इच्छा नहीं होती। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैंने सुना है। दीज आर द अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स ओन्ड बाय रिनोन ब्रांड कॉल्ड एक्वा डी पावा। अब ये एक इटालियन नाम है, एक्वा मैंने पानी, तो एक्वा मतलब पानी, वाटर ऑफ पामा, पामा जो है एक शहर का नाम है इटली में। तो आज मैं एक्वा डी पावा के दो प्रोडक्ट्स यूज करने वाला हूं, एक इनकी अल्ट्रा सॉफ्ट शेविंग क्रीम और दूसरा बाम। और थोड़ा बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। इस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे फाउंड हुई, किसने फाउंड किया, इनकी फ्रेग्रेंसेस के बारे में और थोड़ा बहुत इनकी पैकेजिंग के बारे में भी, और बाद में इन प्रोडक्ट्स को यूज करके इसके रिव्यूज में दूंगा। अब एक्वा डी पावा जो है ये कंपनी फाउंड की गई थी 1960 में, एक इटालियन बैरन थे जिनका नाम था कार्लो मैग्नानी। तो अर्ली 1900 में ये दुनिया भर के जो उस समय ग्लोबल कल्चरल हब्स या आई शुड से कल्चरल एपिसेंटर्स थे, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, वहां जहां जहां गए ये, और उस समय की जो हाई क्लास सोसाइटी के लोगों से मिले, फैशन और लग्जरी से रिलेटेड इन्होंने जब वहां पे डिस्कशंस किए, तो इनको ऐसा लगा कि क्यों ना एक ऐसी फ्रेग्रेंस बनाई जाए जिसका एक डिस्टिंक्ट इटालियन फ्लेवर हो, और उसके ऊपर इन्होंने वर्कआउट किया और 1916 में इन्होंने एक फ्रेग्रेंस बना डाली जिसका नाम दिया कोलोनिया। तो एक्वा डी पावा जो ये कंपनी है जानी ही जाती है इस फ्रेग्रेंस कोलोनिया की वजह से। अब कोलोनिया जो फ्रेग्रेंस है इसके अगर मैं टॉप नोट्स की बात करूं तो टॉप नोट्स जो हैं वो सिट्रसी नोट्स हैं, जिसमें ऑरेंज, बर्गमॉट और लेमन की हल्की स्मेल आती है। उसके बाद जो इसके मिडिल नोट्स हैं जिनको हर्ब नोट्स भी कहा जाता है, उसमें रोजमेरी इज अ हर्ब, रोजमेरी और लेवेंडर का हल्का सा जो है फ्रेग्रेंस आती है। और जो बेस नोट्स में जो है वो आपका सैंडल और पचौली की खुशबू आती है। और इसको मिला के एक कोलोनिया फ्रेग्रेंस तैयार कर दी इन्होंने, और धीरे 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 जो है इटली में ये बड़ी पॉपुलर हो गई। और 1930s तक तो आते आते हाल ये हुआ कि जेंट्स और लेडीज वो अपने हैंकरचीफ में इसको डाल के ही इसकी फ्रेग्रेंस को चलती थी। और उस समय की जो हाई सोसाइटी थी, जो उस समय के हाई सोसाइटी सर्कल्स थे, वहां पे जब भी लोग निकलते थे तो देयर वाज ऑलवेज अ विफ ऑफ दिस कोलोनिया स्मेल। अब 1950 तक आते आते इटालियन सिनेमा जो है वो जो है काफी तरक्की कर रहा था, और उन्होंने कई सारे जो है हॉलीवुड के उस समय सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट को इटली में आमंत्रित किया। तो वो जब सेलिब्रिटीज इटली में आए, और उनमें से कुछ नामी ग्रामी लोग थे जिनका नाम मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा, जैसे कैरी ग्रैंट, उसी साथ डेविड नेवन। अब डेविड नेवन जो है उनकी एक मूवी थी गन्स ऑफ नेवरॉन, उस पर उन्होंने काम किया था। फिर ग्रेगरी पैक, जिसको हमारे देवानंद साहब भी फॉलो करते थे, एंड ऑफ कोर्स द गॉडेस ऑफ ऑल द हीरोइंस ऑफ यस्टरडेज, ऑड्री हेपबर्न। तो वो जो है उस जमाने के ये जो सेलिब्रिटीज थे, ये जब वापस अमेरिका गए तो उन्होंने इस परफ्यूम को, इस फ्रेग्रेंस को कैरी करना शुरू किया, और धीरे धीरे पूरे अमेरिका में लोग पागल हो गए, दीवाने हो गए इसकी खुशबू के। और आज भी जो है कई सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस परफ्यूम को, इस फ्रेग्रेंस को, जिसको मैंने बताया आपको कोलोनिया, इसको कैरी करते हैं, जिनमें से ऑफकोर्स एक नामी ग्रामी डायरेक्टर वुडी एलन, उसी के साथ सुपर मॉडल केट मॉस और सैंड्रा बुलक और शैरन स्टोन, बेसिक इंस्टिंक्ट वाली, तो ये भी जो है इसको फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत पुराना इतिहास जो है इस फ्रेग्रेंस का है कोलोनिया, जिसको एक्वा डी पावा नाम की कंपनी ने बनाया। तो एक्वा डी पावा बीच में थोड़ा सा इनका बिजनेस, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा भी है इसके बारे में, कि वो डावाडोल हुआ और बाद में जो है इसको लुई विटों जो है उन्होंने इसको टेक ओवर किया। मगर इसकी पूरी की पूरी जो है उन्होंने इसको, इसकी प्रिस्टाइननेस इस कंपनी की उन्होंने वैसे ही रखी है, और आज भी जो है प्रोडक्ट्स उसी तरीके से बनाए जाते हैं, वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो उस जमाने में उन्होंने बनाए थे। और शेविंग इनके जो है फ्रेग्रेंस, और फिर बाद में शेविंग में इनके शेविंग क्रीम और आफ्टर शेव बाम्स, आफ्टर शेव्स, वो सब बहुत ही पॉपुलर हैं और कई तरह के फ्रेग्रेंस भी बनाती है। बट एक्वा डी पावा इज नोन फॉर कोलोनिया फ्रेग्रेंस। तो अब मैं आता हूं
मुद्दे पे। सो दिस इज द क्लासिक एक्वा डी पामा येलो पैकिंग। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये बिल्कुल भी मशीन से नहीं बनाई जाती, पूरी तरह से हैंडमेड है ये। एंड ऑफ कोर्स दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। तो आज मेरे को कोई ये चीज आपको इम्प्रेस करना नहीं है, आपको मैं कोई इम्प्रेस करने के लिए आपको नहीं, बट वन थिंग आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस ऑन यू इन योर माइंड दैट दीज आर द बेसिकली वेरी ओल्ड क्लासिक जेंटलमैन शेविंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो शेविंग रिलेटेड मेरा चैनल है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने देसी विदेशी जिस तरह के भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका इतिहास के साथ नाम रहा है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको दर्शन कराऊं और बताऊं। तो ये पूरी की पूरी जो पैकेजिंग है ये हैंडमेड है, एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल। और ये स्टिकर भी वो मशीन से नहीं चिपकाते, हाथ से चिपकाते हैं इसको। इसके ऊपर ये एक ब्लैक रंग की जो है ऊपर टॉप विथ येल्लो जो है ये सिग्नेचर येल्लो कलर है इसका। और इसको आप जब ऐसे खोलते हैं तो बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है जैसे आप आईफोन का जो है वो कार्डबोर्ड वाला बॉक्स को जब आप खोलते हैं। सो मतलब इनकी लुक एट द अटेंशन टू डिटेल। नाउ दिस बॉटम इज एक फेल्टिंग लगाई है उन्होंने तो फॉर दैट स्मूथ टेक्सचर। सो दिस इज द क्लासिक। आप बॉटल कह लीजिए या मग कह लीजिए, वॉट एवर इट इज, एक्वा डी पामा। और इसको ये लोग सॉफ्ट शेविंग, अल्ट्रा सॉफ्ट शेविंग क्रीम कहते हैं। तो 2-3 महीने से मेरे पास ये आ गई थी मेरे बर्थडे के टाइम में। ये एक्चुअली दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग गिफ्टेड टू मी बाय माय वाइफ एंड माय सन वरांग। तो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। तो ये अभी तक इसको मैंने खोला भी नहीं है। तो जल्दी से देसी भाषा में इसकी ऊपर की पन्नी को मैं हटाता हूं। सो दिस इज द एक्वा डी पामा कोलोनिया फ्रेग्रेंस शेविंग क्रीम। लाजवाब। इस फ्रेग्रेंस की तुलना मैं किसी और से नहीं कर सकता, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। अल्ट्रा सेंसुअल एक्सपीरियंस। तो इसको मैं रखता हूं नीचे। और ये जो शेविंग क्रीम है इसमें कंपनी का कहना है, ये वेबसाइट में ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि इसमें पोमेग्रेनेट अनार जिसको हम बोलते हैं पोमेग्रेनेट का जो सीड का जो ऑयल है उसी तरह से इसमें आमंड ऑयल भी है और बेसिल जिसको हम तुलसी बोलते हैं उनके इसमें ऑयल है, करेक्ट। तो इसको मैं रखता हूँ नीचे। उसी के साथ इसके बारे में बाकी बताता हूँ, आफ्टर शेव बाम के बारे में। आज का जो शेविंग ब्रश, वन ऑफ माई फेवरेट्स, लग्जरी की चीज है आज तो, लग्जूरियस ब्रश ट्राइगोडॉन। और आज का जो रेजर है वो भी उसका इस्तेमाल आज पहली बार मैं अपने चैनल में कर रहा हूँ। एंड देखिए आज एक यू नो एक रिच एक हेरिटेज उस तरह की चीजें यूज कर रहा हूँ, तो रेजर को पकड़ते हुए वही फील आ रही है। हालांकि रेजर बिल्कुल नया है, पार्कर कंपनी का और 111R। अब ये जो है ये इस तरह के हैंडल्स जो है ब्रिटिश वेट शेविंग में मैंने ऐसा सुना है बड़े पॉपुलर हुआ करते थे पुराने जमाने में, वो हॉर्न जो होते हैं ऑक्स के बुल के हॉर्न के जो बनाते थे। तो ये जो है भाई ये पोर्सलिन का वाइट पोर्सलिन जो है उसका हैंडल है, बट दिस इज नॉट ओरिजिनल पोर्सलिन, इट्स अ फॉक पोर्सलिन और ये बना एक रेजिन से है। तो पार्कर के जो है ऑक्स हॉर्न या बुल हॉर्न करके हैंडल्स भी मैंने सुना है आते हैं, बट दे आर अ बिट कॉस्टली। तो ये तो अपना ठीक ठाक रेंज का है। और इसके ऊपर जो शेविंग हेड है ये देखिए 3-पीस रेजर है एज यूजुअल। पार्कर के शेविंग हेड सब कॉमन ही है, 94R या 91R वाला ही ये शेविंग हेड है। तो जल्दी से इसमें मैं आज ब्लेड लोड करता हूँ। आज का ब्लेड एस्ट्रा इज अ रशियन मेड ब्लेड, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज इस ब्लेड का फर्स्ट यूज होगा। और अच्छा वेट है इसका, स्लाइट ओवरहैंग बट अलाइनमेंट इज एज यूजुअल फंटास्टिक। इट हैज गॉट गुड वेट, 90.08 ग्राम का वेट है इसमें।
और इसकी जो फील है वो बहुत ज़बरदस्त है, फिसलता नहीं है दोस्तों, मैंने कई बार ट्राई किया है, मेरे को एलबम अपनी उंगलियों में लगाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत की जाए। तो आज ही मैं कोई प्री शेव ऑयल या प्री शेव क्रीम नहीं यूज करने वाला हूं। लेट्स सी कि ये जो एक्वाडी पामा शेव क्रीम है इसकी स्लिकनेस कैसी है। द क्रीम So I think this is enough. चलिए let's create the lather. Mind boggling, superb, heavenly kind of experience. हमारे अपने वेट शेविंग ग्रुप में दो लोगों से मैंने बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है कि एक जगदीश शर्मा जी, उन्होंने तो ऐसा कहा है कि अगर उनको अगर कोई एक शेविंग प्रोडक्ट यूज करना हो लाइफ टाइम तो वो एक्वाटिक पामा के शेविंग प्रोडक्ट्स को यूज करना पसंद करेंगे। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को करेक्ट करिएगा शर्मा जी। बहुत ही बेहतरीन खुशबू, हल्के से सिट्रस नोट और लेवेंडर के नोट्स को मैं महसूस कर पा रहा हूं अभी। और दूसरे जो है अपने वेट शेविंग ग्रुप के शेविंग गुरु अशर अहमद भाई, वो भी काफी तारीफ करते हैं इन प्रोडक्ट्स की। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे को भी ये यूज करने का मौका मिला। बहुत ही बेहतरीन लागत कम समय में। तो कोलोनिया जो फ्रेग्रेंस है वो एक आइकनिक फ्रेग्रेंस मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसकी पॉपुलैरिटी का एक रीजन ये भी है कि कई सारे जो मैंने अभी जैसा आपको बताया हॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस फ्रेग्रेंस को कैरी करना पसंद करते थे, बोथ मेल एंड फीमेल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। तो ये सबसे रोचक बात है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, इसका जो लादा बन रहा है इस शेविंग क्रीम का जो ये लादा क्रिएट हुआ है इसकी फीलिंग कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली इसलिए मैं कह रहा हूं, बट इट्स अ फैक्ट। सो
I think that's enough. Let me clear the sideburns. तो चलिए देखते हैं ये रिजर्व पार्कर 111R लोडेड विथ जिलेट एक्स्ट्रा जिलेट का ही है हाँ जिलेट एक्स्ट्रा शायद जिलेट हाँ PNG प्रॉक्टर एंड गैंबल की कंपनी है एक्स्ट्रा ब्लेड। इसका फर्स्ट पास कैसा रहता है आज? तो फर्स्ट पास विद द ग्रेन एज यूजुअल। आज की जो मेरी बियर्ड है वो 3 दिन पुरानी थी। सबसे पहले मैं रेजर के बारे में कहना चाहूंगा, देखिए एक चीज मैंने नोट की है, पार्कर के जो शेविंग हेड्स हैं ये मोस्ट ऑफ द उनके जो क्लोज कोम है ओपन कोम रेजर्स हैं, जितने भी ओपन कोम उनके जो हेड्स हैं या क्लोज कोम हेड्स हैं वो सब एक से हैं नो डाउट। मगर जब इनके हैंडल बदल जाते हैं, इनके मॉडल्स चेंज हो जाते हैं, तो इनकी प्रकृति भी चेंज हो जाती है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? इनकी परफॉर्मेंस। तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि रेजर हेड बिल्कुल सही है, मगर उसके साथ हैंडल्स का बड़ा रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी शेविंग के एक्सपीरियंस को एनहेंस या लोअर डाउन करने में। अब जैसे पार्कर 94R है, इट्स अ शॉर्ट हैंडल हेफ्टी रेजर, उसकी मैनोवरेबिलिटी एक अलग लेवल की है। 91R इज क्लासिक वन ऑफ माय फेवरेट्स, और अब इसे यूज कर रहा हूं तो एक अलग फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिसल नहीं रहा है, सबसे अच्छी बात यह है, और एक अच्छा वेट दे रहा है ये। तो तीनों रेजर एकदम अलग इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेम हेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, शेविंग क्रीम में पोमेग्रेनेट ऑयल है, बेसल ऑयल है, पोमेग्रेनेट सीड ऑयल है, बेसल ऑयल है, और आमंड ऑयल भी है। तो बिना पानी लगाए मैं टच करता हूं, अगर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना आनंददायक आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। हर जगह आध्यात्मिक मैं घुसा देता हूँ, बट दोस्तों शेविंग इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी, और जब इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हो। बहुत ही बेहतरीन और हल्की हल्की ठंडक, हल्का सा बिल्कुल ठंडक, ठंडेपन का एहसास हो रहा है इस समय मेरी स्किन को, और स्लिकनेस के क्या कहने। ये क्रीम एक अलग लेवल की है, और सही बता रहा हूँ मैं, अभी आज मैंने पहला ही इसको पास किया है, और इसका कंपैरिजन मैं किसी और से नहीं कर सकता। लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदो, इतने पैसे खर्च करो, बट आई एम टेलिंग यू एनीवे, दूसरे पास की तरफ चलते हैं। बहुत अलग तरह की फीलिंग है,
देखिए ये जो होता है ना कि आप अलग अलग पायदानों को चढ़ते चलते हुए प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए, वो तभी आप उसको रेलिश कर पाते हैं जब आप बिल्कुल बेसिक से चढ़े हो तो। अब इसको मैं प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब नहीं है कि अपनी वो जो ट्यूब्स आती हैं देसी ट्यूब्स वो कहीं से बेकार हो गए, बिल्कुल नहीं, उनका एक अलग मज़ा है, उनकी फ्रेग्रेंस उनके नोट्स अलग लेवल के हैं। बट अगर हम किसी चीज़ को लग्जरी से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है आज मैं सच में एक ऐसे ही प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। चले कम टू द सेकेंड पास अक्रॉस द ग्रेन। आप में से जिन्होंने अभी हाल ही में शुरू किए वेट शेविंग, स्पेशली इस फावड़े जैसे रेजर से, डी रेजर से, उनको मैं फिर से कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा आप इसको प्रेशर ना दें, बस टच करते हुए ग्लाइड करें। अगेंस्ट द ग्रेन जाने की कोई जरूरत नहीं आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग YouTube चैनल देख के मोटिवेट हो जाते हैं और वो सब कर रहे होते हैं जो एक्सपर्ट्स अपने शेविंग वीडियो में दिखाते हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप उनके बेसिक टिप्स को फॉलो करिए, बाकी धीरे धीरे लर्न करिए। अगेंस्ट द ग्रेन जाने की क्या जरूरत है, शुरू में मैं भी जाता था बट कोई जरूरत नहीं है अपने स्किन को प्रताड़ित करने की। डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन ऑन द डे वन, जस्ट ट्राई टू इंप्रूव। भाई यो रेजर बहुत अच्छा है, आई एम टेलिंग यू। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग कर दी मैंने, ऐसे सही बताऊँ कभी कभी आ जाता है वो हर चीज़ बिल्कुल यू नो माइन्यूट डिटेल के साथ, तो उसके लिए क्या है हम टचअप कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, थर्ड पास करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे लग रहा है हल्के से विस्कस हैं और थोड़ी सी शेव है तो थोड़ी सी क्रीम लगा के बस ऐसे आप टचअप कर सकते हो। सो अल्ट्रा सिल्की सिल्कन स्मूथ शेव विद अ डिवाइन कोलोनिया फ्रेग्रेंस। लेट मी वॉश माय फेस। कोई जलन नहीं है। For me, Astra is a very good blade. I'm enjoying it. So thoroughly satisfied. In fact, सही बताऊँ पहली बार बोलूँगा अपने वीडियो में, satisfaction एक बहुत ही छोटा वर्ड होगा। It's I am just bowled over by today's shaving experience. So thank you
ऐशर अहमद जी, थैंक्स अ लॉट जगदीप शर्मा जी, तो आप वाकई में जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो स्पेशली इस एक्वाटिक फार्मा के प्रोडक्ट्स के बारे में, वो बिल्कुल सही बोला था आपने। पहले मेरे को लगता था क्या है यार ये इतने, बट वही है कि जब तक आप यूज़ नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा। तो जल्दी से मैं फेस वॉश करता हूँ। चलिए लेट्स कम टू द पोर शेप पार्ट। सो टुडे आई एम यूजिंग सेम एक्वाटिक फार्मा पोर शेप बाम, इनका आफ्टर शेप लोशन भी आता है। दिस इज द क्लासिक बॉटल, और जो इनके फ्रेग्रेंसेस आती हैं वो भी मोस्टली इसी तरह की बॉटल में पैक होते हैं। सेम खुशबू, बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस है, सेम कोलोनिया फ्रेग्रेंस। मेरे को तो बॉटल बहुत पसंद आई, और इसमें जो है कंपनी के मुताबिक एलोवेरा, आमंड ऑयल, ग्रेप वाइन, और एक बहुत ही कहते हैं ये बहुत ही एक रिफ्रेशिंग एहसास कराती है बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स ट्राई। काफी सारा गिर गया, कोई बात नहीं। सो दिस इज द लोशन, चश्मा पहले हटा लूं। दिस इज द बाम इनपैक्ट, दिस नॉट लोशन। अद्भुत, सो फंटास्टिक शेप टुडे, वंडरफुल एक्सपीरियंस, नो डाउट अबाउट दैट। सो लेट मी अगेन रिमाइंड यू अबाउट द प्रोडक्ट्स। आज की शेविंग क्रीम देखिए, सॉरी ये बॉटम पार्ट है इसका। सो एक्वाटिक फार्मा शेविंग क्रीम, तक की यूज की गई शेविंग क्रीम में दिस इज फॉर मी ऑफ कोर्स द बेस्ट, नो डाउट अबाउट दैट। मगर देखिए एज अ वेट शेवर मेरे को हर प्रोडक्ट से बहुत प्यार है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हाँ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको यूज़ करते ही लगता है कि यार नेवर, बट जितने भी कलेक्शन मेरा बढ़ता जा रहा है सोप्स का, शेविंग क्रीम का, जेल्स का, वो सब जैसे कहते हैं ना कि बहुत दिल से क्लोज हैं। बट ये जो चीज़ आज यूज़ की इसके बारे में कुछ कहना जो है बहुत कम होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि मे भी शायद हमारी साइकोलॉजी में बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हेरिटेज, बहुत पुराने हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इनको एंडोर्स किया है, बट जो भी है कमाल के हैं भाई। सेम इज द केस विद दिस आफ्टर शेव बाम। सो भाइयों अगर कभी खरीद पाए तो इसको अपनी विश लिस्ट में जरूर रखना, बहुत मेहनत करना और इनको परचेज करना, और शेविंग डन में आपकी ये जरूर जो है उसको उसकी शोभा बढ़ाएंगे। सो मेक इट अ कमिटमेंट, बाय दिस। मैं आपको खर्च करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप इसको, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ओके सो फैंटास्टिक रेजर इज वेरी वेल मेड, फंटास्टिक क्वालिटी, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। और जब आप इसको हाथ में रखते हो तो एक पता नहीं आपको लगता है कि यू आर यूजिंग दैट ओल्ड क्लासिक डिज़ाइन, और परफॉर्मेंस वाइज इज फंटास्टिक। ब्लेड के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, एंड ऑफ कोर्स ब्रश तो ये मेरा चहता रहा है और आगे भी रहेगा। तो ये था आज का शेविंग वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करिएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप जरूर मेंशन करिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। जहाँ से आप अपने लोगों को शेयर करिए जिनको वेट शेविंग से शौक है या शेविंग से उनको शौक है, और सब्सक्राइब तो कर दो यार, अभी भी जो है जो रेशो है काफ़ी कम है
तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वो आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है ताकि नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ। सो विद दिस नोट लेट्स कॉल इट अ डे। एंजॉय शेविंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।